ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है आप भी ज़रूर देखिए अगर आपको डाउट है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लाइफ लॉन्ग लर्निंग विद माया उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये जो टॉपिक है मैं डिवीजन का रिवीजन एक करना चाहती हूँ और क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रीति शर्मा उन्हें कुछ डाउट्स है इस टॉपिक पर सो so, मैंने सोचा कि लेट मी मेक अ फ्रेश वीडियो फॉर हर एंड सो दैट इन केस इफ हर शी एंड मे बी अदर स्टूडेंट ऑल्सो हैव दिस बेसिक डाउट इट विल गेट क्लियर ओके नाउ इन दिस टॉपिक डिविजन देर इज़ समथिंग वेन वी स्टडी लिटल एडवास पार्ट ऑफ डिविजन देर कम्स सम क्वेश्चन वेर देर वी हैव जीरो इन द क्वेश्चन राइट सो हाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल मेक आउट कि कब क्वेश्चन में जीरो क्वेश्चन में ज़ीरो हम डालें या ना डालें या कब आएगा सो मेरा जो एक वीडियो था उसमें मैंने वो टॉपिक में ही लिखा हुआ है जीरो इन द क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट उसी में उसी में प्रीति शर्मा जी को डाउट था सो मैं वो टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी और आई विल शो कि वाई वी यूजली टेक जीरो इन द क्वेश्चन राइट सो अभी जैसे ये क्वेश्चन है फोर वन सेवन डिवाइडेड बाय फोर एक्चुअली होता क्या है कि हम जब कभी कभी एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो हमारा फर्स्ट डिजिट जो है वो और हमारा डिवाइज़र सेम ही रहे जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र वो और फर्स्ट डिजिट सेम ही रहे राइट right? अगर कई बार ये होता है कि ये बड़ा रहता है तो भी अच्छा है हमारे लिए और कई बार छोटा रहता है तो भी ठीक है क्योंकि वी कैन कंसिडर टू डिजिट देन अगर ये छोटा है तो हम एक साथ में दो डिजिट को लेके डिवाइड कर सकते हैं बट अगर ये सेम है तो हम क्या करेंगे अभी जैसे सेम है तो फोर वन ज फोर ओके सो ये यूजली उसका रूल कैसा है फोर माइनस फोर करेंगे ज़ीरो आ गया और दूसरे डिजिट को हमें नीचे लेना है सो so, हमने इसे वन को रिमाइंडर को नीचे उतार लिया अभी सेवन बचा हुआ है बट हमको वन बाय वन वी हैव टू प्रोसीड राइट सो क्या करेंगे अभी ये वन है अब क्या होता है कि ये तो फोर है ये वन छोटा है इससे तो हम बिफोर वी कैरी डाउन दिस सेवन डाउन वॉट वी हैव वी हैव टू कॉम्पनसेट दिस जनरली कैसा होता है कि अगर ये हमारा फोर ये हमारा डिवाइजर ही छोटा रहता समझो थ्री रहता तो थ्री होता तो थ्री जा हम थ्री करते और यहाँ थ्री आता फोर में से थ्री जाता तो वन रिमाइंडर होता तो ये लेवन हो जाता राइट सो इट वुड हैव बिकम इजी हमारा जीरो लेने का नौबत ही नहीं आता डायरेक्ट हो जाता या ये बड़ा रहता तो भी हम कर सकते थे जैसे ये सिक्स रहता तो सिक्स फोर जा फोर हम लेते और यहाँ पर रिमाइंडर टू आ जाता तो ट्वेंटी वन हो जाता तो भी हमें जीरो लेने का नौबत नहीं आता बट यहाँ पे क्या है कि ये वन आया है तो अब ये वन आए तो हमें इसको भी तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा तो इस वजह से इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमको जीरो लेना पड़ेगा ये सेवन नीचे उतारने से पहले ही हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारे फोर से छोटा हो गया है ठीक है क्योंकि ये डायरेक्टली दोनों सेम सेम होने के नाते डायरेक्ट डिवाइड होके जीरो आ गए हैं तो हम कुछ कहीं पे भी इन दोनों को कॉम्पनसेट वन वन तो जा नहीं पाएगा फोर में तो इसलिए हवा अब हमने इसको ज़ीरो ले लिया राइट अब हमने अब हमने जीरो लिया तो वी कैन ब्रिंग दिस सेवन डाउन नाउ बिकॉज हमने मिडिल प्लेस जो है वो बैलेंस कर दिया एक्चुअली इसका रीज़न एक और होता है आई विल लेट यू नो एट लेटर इन द वीडियो बट अभी फिलहाल के लिए लॉजिक समझने के लिए ये लॉजिक है राइट अब यहाँ पे सेवनटीन है अब हमको पता है फोर फोर जिक्सटीन है राइट सो so, अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया तो रिमाइंडर अब यहाँ सॉरी जीरो नहीं आ गया वन आ गया यहाँ पे रिमाइंडर तो जब अब फाइनली हमारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा है तो इफ वी वॉन्ट वी कैन फर्दर डिवाइड इट तो हमें डेसिमल में हम इसे लेके और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ठीक है आई नो आई एम श्योर आपको ये पता होगा नहीं पता होगा तो चलो हम इस सब में दो डेसिमल प्लेस तक भी सॉल्व कर देते हैं अभी क्योंकि ये वन आ गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक डेसिमल ले लेंगे जब हम डेसिमल लेते हैं तो वी गेट द प्रिवलेज टू पुट जीरो आफ्टर द रिमाइंडर राइट क्योंकि हमें इसको बड़ा बनाना है ना तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे सिर्फ वन तो फोर से डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लेने से क्या होगा कि हम एक जीरो लिख सकते हैं अब जीरो लिया तो ये टेन बन गया अब टेन है इट इज ग्रेटर देन फोर, सो हम कर सकते हैं डिविजन फोर टू जॉ एट ओके फोर टू जा एट लिया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे टेन में से एट गया तो टू बचा ओके अब टू बचा अब यहां पे क्या होता है हम एक बार डेसिमल जब ले लेते हैं तो इट इज इजी फॉर अस टू तो पुट जीरो एट द एंड हमको बार बार डेसिमल लेने की जरूरत नहीं जस्ट एक बार डेसिमल लिया तो हम वापस से ज़ीरो जो है हमारे रिमाइंडर में लगाते जा सकते हैं नॉट ऐड करते जा सकते हैं एक्चुअली उसके पीछे हम प्लेस करते जा सकते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा फोर फाइजा ट्वेंटी फ़ोर फाइज़ा ट्वेंटी सो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल और हमारा रिमाइंडर फाइनली ज़ीरो आ गया हमारा सम फिनिश हो गया सो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा वन ज़ीरो फोर पॉइंट टू फाइव सिंपल ओके सो आई होप आई मेड दिस क्लियर कि हम कब जीरो यूज कर सकते हैं ठीक है यस फ्रेंड सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन लाइक जीरो इन द क्वेश्चन का एक मैं ब्रीफली आपको एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है समझो थ्री ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री अब ये जो मैंने थ्री ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री लिया है इसके बदले में कोई भी कुछ भी हो सकता है जैसे फाइव फाइव ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई फाइव वो भी ले सकते हैं जे लाइक like क्यों बताने का मतलब क्यों है ऐसा थ्री ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री क्यों ऐसा मैं बता रही हूँ क्योंकि थ्री और थ्री दोनों भी सेम है या फाइव और फाइव जब सेम रहेंगे जब हमारा डिवाइजर और फर्स्ट डिजिट जब सेम होगा तो क्या होता है कि हमको इमीडिएटली जो है वो आंसर uh, जो है वो रिमाइंडर जो इसका जीरो आ जाएगा जैसे थ्री वन जी सो यहाँ पे थ्री माइनस थ्री करेंगे तो जीरो आ गया राइट right? अब ये जो हमने टू नीचे उतारा अब क्या हो रहा है कि टू हमारा जो है ये थ्री से छोटा हो रहा है सो so यहाँ पे टू तो हम थ्री से कुछ कर नहीं सकते हैं डिवाइड नहीं कर सकते देन ओके लॉजिक यही है जीरो ऊपर रखने का ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है अभी हमारे पास में नाइन बचा हुआ है राइट right? सो so हम क्यों यहाँ पे जीरो ले रहे हैं क्योंकि ये जो जब हम डिवाइड करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते, करते हैं वन बाय वन डिवाइड करते हैं है ना तो जब हम ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट जो है हमारा हमने कर दिया ये ज़ीरो आ गया सेकेंड को हमने लिया ये टू आया राइट तो अब ये छोटा है इसलिए हमको एक जीरो यहाँ पे ऐड करना है अब ज़ीरो जैसे ही हमने ऐड किया अब हम ये दूसरे नाइन को भी नीचे उतार सकते हैं ओके सो अब हमको पता है थ्री नाइनज़ा इज ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी सेवन या नाइन माइनस सेवन इज टू सो अब टू जो है इट इज स्मॉलर देन थ्री सो वॉट वी कैन डू आइदर वी कैन पुट अ डेसिमल एंड कंटिन्यू सॉल्विंग इट राइट आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू इट फर्दर आई एम श्योर यू यू विल बी एबल टू डू इट एक डेसीमल डालेंगे तो वी कैन पुट वन जीरो हीयर ये ट्वेंटी बन जाएगा और देन वी कैन फर्दर डिवाइड इट अंटिल टू और थ्री डेसिमल प्लेसेस अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रीति ने मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन किया था फोर फोर्टी टू डिवाइडेड बाई सेवन ओके अब ये जो क्वेश्चन है फोर फोर्टी टू डिवाइडेड बाई सेवन यहाँ पे वी हैव टू डू बाय लॉन्ग डिविजन मेथड नेचुरली राइट सो इसको हम स्टार्ट करेंगे यहां पे देखिए फर्स्ट डिजिट हमारा छोटा है सेवन से तो हमको एक साथ में दो डिजिट कंसीडर करना है डिवाइड करते वक्त राइट सो फोर्टी फोर हम साथ में कंसीडर करेंगे अब सेवन को हम वी हैव टू रिमेंबर द टेबल ऑफ सेवन कि सेवन सिक्स इट विल बी वॉट सेवन सिक्स इज फोर्टी टू सो फोर्टी टू है तो फोर में से टू माइनस होंगे तो टू बचेगा है ना अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर टू आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ओके आई थिंक ओके okay. सो so, हमने जब बिकॉज कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट छोटा था इसलिए हमने एक साथ में दो डिजिट को साथ में कंसिडर किया सो so, हमारा सेवन टाइम्स सिक्स इज फोर्टी टू और यहाँ पे रिमाइंडर हमको टू आया राइट right? अब ये जो रिमाइंडर टू आया है तो हम क्या करेंगे uh, कि यहाँ पे भी हम डायरेक्टली दूसरे टू को उतार सकते हैं ओके आई थिंक यहीं पे डाउट था प्रीति को कि यहाँ पे भी तो रिमाइंडर टू आया तो वाई कुड़ नॉट वी शुड नॉट टेक जीरो दिस वॉज हर डाउट आई कैन अंडरस्टैंड इट नाउ एक्चुअली क्या होता अस अंडरस्टैंड uh, मैं उस क्वेश्चन को आधे में छोड़ के मैं ये एक बार फिर से डाउट क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि शायद प्रीति का मिसअंडरस्टैंडिंग uh, या कन्फ्यूजन कहाँ पे था सो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन हियर कि जैसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हमको ये थ्री थ्री फाइव फाइव फोर फोर ऐसे ही मिले कि जिससे डायरेक्ट जीरो आए और हमको पता चले कि नेक्स्ट डिजिट में हमको जीरो लेना है ठीक है बट कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि यहां पे देखो फिफ्टी सिक्स है एट फिफ्टी सिक्स है राइट right? तो हमें ये पता है कि एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स होता है डायरेक्टली फिफ्टी सिक्स आ जाएगा एट टाइम सेवन इज फिफ्टी सिक्स तो वैसा ही सिमिलर सिचुएशन हम फिर से आ गए कि ये कम्प्लीटली माइनस हो जाएगा कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा राइट तो ये यहाँ पे जीरो जीरो हो गया अब यहाँ पे हमारे पास में कोई चारा नहीं है हमको फाइ तो उतारना है नीचे लेकिन फिफ्टी सिक्स एक साथ में दो दो डिजिट एक साथ में खत्म हो गए राइट अब ये थर्ड डिजिट को हमको यहाँ पे नीचे लेना है कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं जनरली क्या होता है कि हमारे पास कुछ तो बच जाता है जैसे यहाँ पे हमारे पास में टू बच गया था राइट तो हमने दूसरे डिजिट को आराम से उतार लिया था हमको जीरो लेने की जरूरत नहीं है बट यहां पे क्या है कुछ भी नहीं बचा है तो हमें इस समय फिर जीरो लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम डायरेक्टली कैसे फाइव को ले लें फिफ्टी सिक्स पूरा का पूरा खत्म हो गया तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे जीरो लेना जरूरी है जब जब पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट होके जैसे हमारे पास में जीरो आ जाता है कोई चारा नहीं है और दूसरा डिजिट भी छोटा है हमारे डिवाइजर से छोटा है तो हम कुछ कर नहीं सकते अगर वो बड़ा रहता तो कुछ फिर जरूरत नहीं पड़ती लेकिन एक बार वो एकदम ही इट इज स्मॉलर देन आवर डिवाइजर तो फिर हमें ये जीरो लेने की जरूरत पड़ेगी ओके okay, सो so यहाँ पे भी ऐसा है फिर से हमें पूरा जीरो जीरो आ गया तो अब हमें यहाँ पे एक जीरो लेना है अब जीरो लिया हमने अब हम ये थर्ड डिजिट को ले सकते हैं नीचे पर अब ये क्या है फाइव है जो फाइव जो एक्चुअली क्या होता है कि इट इज स्मॉलर देन फाइव इज स्मॉलर देन एट सो नाउ वी आई कैन टेक दिस अदर जीरो आल्सो टुगेदर सो हमारा हमने जो ये फिफ्टी ले लिया अब क्या होगा एट टाइम्स सिक्स साइज फोर्टी एट सो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर टू आ गया अब हमारा सारा कुछ ख़त्म हो गया फाइनल रिमाइंडर टू आया है तो क्या करेंगे जब टू आ गया है तो वी हैव टू टेक अ डेसिमल एंड पुट अ ज़ीरो हियर अब हमने यहाँ पे जीरो ऐड कर दिया फिर फर्दर वी कैन डू इट इन द डेसिमल फॉर्म राइट एट टू जाइज सिक्सटीन तो सिक्स ट्वेंटी में से सिक्सटीन माइनस हुआ तो फोर रिमाइंडर बचेगा और क्योंकि हमने डेसिमल ले लिया है तो हम एक पीछे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं तो हम पीछे ज़ीरो ऐड कर लेंगे तो एट फाइव ऑफ फोर्टी सो so, फाइनली हमारा आंसर ज़ीरो आ गया सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू प्रीति कि व्हेन वी वी गेट द जीरो इन देशन क्वेश्चन में जीरो कब आता है कि जब हमारा कोई भी डिजिट जो है डायरेक्टली पूरा जीरो खत्म हो जाता है पूरा फर्स्ट टू डिजिट हो फर्स्ट थ्री डिजिट हो पूरा ख़त्म हो जाता है और जो जब हमें दूसरा नंबर नीचे लेना भी है वो स्मॉलर देन हमारा डिवाइजर है तो हम उससे कुछ भी वी कैन नॉट हेल्प इट आउट हम हमको उसको वी लाइक वी कैन नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम इट एक्चुअली राइट तो हमको फिर उस समय क्या होता है कि वी हैव टू टेक कंसिडर वन ज़ीरो हियर इन द क्वेश्चन एंड देन वी कैन पुट इट डाउन एंड फर्दर वी कीप कंटिन्यू डूइंग द डिजन ऑल्सो एक बहुत ही ईजी लॉजिक है थ्री ट्वेंटी नाइन थ्री से डिवाइड हो रहा है तो जब अगर हमने जीरो नहीं लिया तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा नाइनटीन आएगा आई रिमेंबर वी यूज टू डू दिस मिस्टेक वैन जब हम छोटे थे और ऐसे डिविज़न का सम जब नया नया सीखा था और इतना डर लगता था इतना कन्फ्यूजन होता था कि आई डोट नो ये कभी नहीं आएगा मुझे ऐसा डिवीज़न तो आई विल नेवर अंडरस्टैंड बिकॉज पता ही नहीं चलता था क्यों जीरो लेना है कैसे जीरो नहीं आ रहा कब ज़ीरो लेना है कब नहीं लेना है बहुत ही कन्फ्यूजन होता था उस समय अगर हम देखेंगे लॉजिक काफ़ी बड़े होने के बाद में आई थिंक आई रियलाइज़ दिस मिस्टेक एंड आई फाउंड आउट द वे कि कैसे ये क्या लॉजिक यूज़ करना होता है कैसे ये हमने खुद ही अपना रास्ता निकाला आई थिंक सो आई डोंट रिमेंबर दैट एनी टीचर था दिस वे कि ये क्यों होता है खुद ही ढूंढना पड़ा कि ऐसे जीरो कब आ सकता है राइट right? तो क्या होता था पता है मैं मैं यही चेक करती थी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करती थी वन जीरो नाइन और थ्री को क्योंकि अगर हमने नाइनटीन से थ्री को मल्टीप्लाई किया तो नेचुरली थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन तो आने का सवाल ही नहीं उठता है ना क्योंकि ये इतना बड़ा डिजिट है तो वो थ्री नाइनटीन ज़ा तो नहीं आएगा ना नाइनटीन टाइम्स थ्री तो हमको वो आंसर थ्री ट्वेंटी नाइन नहीं आएगा तो कहीं तो हम गलत हैं तो इसलिए फिर वी हैव टू रियलाइज़ कि यस वी हैव टू टेक अ ज़ीरो हियर ओके सो आप उस तरह से भी अपना आंसर को चेक कर सकते हैं यू कैन मल्टीप्लाई द डिवाइजर एंड द क्वेश्चन उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आंसर आना चाहिए या इससे क्लोज तो आना ही चाहिए क्योंकि इसमें तो रिमाइंडर है टू तो इसमें से थ्री ट्वेंटी नाइन नहीं तो थ्री ट्वेंटी सेवन आना चाहिए थ्री इंटू वन जीरो नाइन करेंगे तो थ्री ट्वेंटी सेवन आना चाहिए प्लस द रिमाइंडर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डिविडेंड है ना नाइजर प्लस इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमको डिविडेंड तो ये ये हमारा जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम अपने क्वेश्चन का इस तरह से कि वेदर वी आर राइट और नॉट ओके आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू अब ये क्वेश्चन हम करते हैं और आई होप बा प्रीति का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू मेक वन मोर वीडियो फॉर यू आई आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी इफ़ एनी ऑफ माई क्वेश्चन students have any of my subscriber will have any doubts मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आपके सारे doubts clear feel free ऐसा मत सोचना कि मुझे मतलब फिर से पूछना पड़ रहा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप मुझे समझाना मेरी गलती होगी कि, कि अगर मैंने आपको क्लियरली नहीं समझा पाई समझ तो ये मेरे मेरा डिफॉल्ट है थैंक यू सो मच प्रीति फॉर आस्किंग मी दिस वेरी जेन्यून क्वेश्चन जो हम सभी लोगों को इस चीज़ का डाउट होता था और बच्चों को ये लॉजिक समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चलो वी विल स्टार्ट नाउ और ये देखिए फर्स्ट अगेन ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट डिजिट ही छोटा है राइट right? फोर है तो हम एक साथ में दो डिजिट कंसीडर करेंगे फोर्टी फोर कंसिडर करेंगे जब भी हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट डिजिट स्मॉल होता है छोटा नंबर होता है देन द डिवाइजर हम एक साथ में दो कंसिडर कर सकते हैं दो डिजिट्स को सो so यहाँ पे हमारा जो है दो डिजिट हमने कंसिडर कर दिया चलो हमने ले लिया सेवन सिक्स सेवन फाइव ज थर्टी फाइव सेवन सिक्स फोर्टी टू तो फोर्टी टू हमारा ये आ गया फोर्टी फोर में से फोर्टी टू गया तो टू रिमाइंडर बचा ओके फोर माइनस टू इज टू फोर माइनस फोर इज यहाँ पे जीरो हो जाएगा ये हमने टू को नीचे उतार लिया अब यहाँ पे फिर से वही देखिए क्योंकि हमारे पास में रिमाइंडर टू आ गया था ओके और हमको पता है कि हमारा ये पूरा जीरो जीरो नहीं हो गया था अगर अभी इस समय हमारा ये पूरा जीरो हो जाता ना तो हमको ये जब टू लेना है और ये टू छोटा है तो हमको लेना पड़ता है यहाँ पे ज़ीरो बट क्योंकि हमारे पास में एक रिमाइंडर बचा यहाँ पे टू ओके okay, एक हमारे पास में रिमाइंडर था टू और ये पूरा कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हुआ तो इस वजह से हम अब दूसरे डिजिट को नीचे उतार सकते हैं ओके okay, सो so अब ये सेवन थ्रीजा ट्वेंटी वन और यहाँ पे हमारे पास में फिर से एक बच गया वन ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन इज़ वन अब ये वन आया अब हम इसको फर्दर डेसिमल लेके यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे एंड फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल uh, फ्रैक्शन नंबर से लाइक सेवन वन जैन तो टेन में से सेवन गया तो थ्री देन अगर बिकॉज डेसिमल ले लिया है तो वी कैन ऐड वन जीरो एट द एंड ऑफ दिस नंबर थ्री सो ज़ीरो ऐड कर लिया तो थर्टी हो गया अब हमारा सेवन फोर ज़ा जो है वो ट्वेंटी एट है सो टू रिमाइंडर बचा फिर से ज़ीरो ले लिया फिर सेवन uh, जो है सेवन टू ज फोटीन है तो ये हमारा जो है सिक्स है रिमाइंडर ठीक है सिक्स आया अब हम ये फिर से एक जीरो ले लेंगे तो फर्दर वी कैन कीप ऑन यू नो गेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे कंटिन्यूअसली आते ही जाएगा मे बी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो रीअकर होना शुरू हो जाएगा अगेन एंड अगेन रिपीट होना शुरू हो जाएगा देर वी हैव टू स्टॉप और वी यूजली इन लोअर ग्रेड छोटे बच्चे हैं तो टू डेसिमल प्लेस के बाद ही रुक जाते हैं स्टॉप कर लेते हैं टू या थ्री एट द मोस्ट राइट सो हियर कम्स द एंड ऑफ द सम आई होप दिस Will clear your doubt, Preeti, and thank you again for asking me your doubt. I was so happy. I really feel very glad if students ask me doubts. Thank you, thank you, thank you. Bye. Take care. See you soon.